संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इधर राज्यसभा में एक बार फिर हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने स्विस बैंकों में भारतीयों का रुपए बढ़ने पर चर्चा का नोटिस दिया। उन्होंने शून्यकाल में इस पर चर्चा की मांग की है। अब तक 12 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में 72 घंटे काम होना था, लेकिन लोकसभा में 29.5 और राज्यसभा में 20.2 घंटे ही काम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।